दोस्तों स्वागत है आपका सेकंड एपिसोड के अंदर जॉनसन टाइल्स का। आज का जो वीडियो है इसमें 4x2 5x2.5 की टाइल्स पे फोकस रहेगा, साथ में कुछ पार्किंग टाइल्स और प्लैंक्स का भी डिस्प्ले होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर ये पूरा 4x2 का लाइव मॉकअप है, एक डिज़ाइनर मॉकअप मैंने बनाया है कि बाथरूम में हम किस तरीके से टाइल को यूज़ करेंगे और उसका लुक क्या आएगा। बेसिकली इसमें वॉल एंड फ्लोर पूरा एक कंप्लीट यहाँ पे लुक दिया गया है। 4x2 रेंज के अंदर हाई ग्लॉस है और ग्लॉस का कॉम्बिनेशन है। जो हाई ग्लॉस है वो 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट है एंड ग्लॉस जो है वो 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट है। उसको आप देख सकते हैं बीच बीच में इन्होंने ये मेटल के स्ट्रिप्स यूज़ करें। जी ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हैं सर और इस पे कोई कोरोजन नहीं होता और इससे हम बाथरूम में ऐड करते हैं तो एक बाथरूम में ब्यूटी और ऐड होती है सर, इससे। ये भी आप सेल करते हैं जी किसी? बिल्कुल सर, ये भी मैं सेल करता हूँ। ये 8 फिट 3 इंच की लेंथ में आता है जिसको हम हमारे नीड के हिसाब से कट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शेड्स इन्होंने शोकेस जी करें जो इनके प्रीमियम शेड्स हैं, ये जैसे लाइट शेड्स जो हो गए, जैसे ब्रेशिया है ये फ्लोरिंग में काम आता है और ब्रेशिया और इसका जैसे डार्क कॉम्बिनेशन है ये हम बाथरूम में भी यूज़ करते हैं। 4x2 आज के टाइम पे आइडियल साइज़ है फॉर फ्लोरिंग एंड फॉर बाथरूम एज वेल। ये दोस्तों अगला मॉकअप देखते हैं। ये काफी अच्छे निशे इसमें क्रिएट कर रहे हैं सर, और ये गोल्डन पोत्रो जो शेड आता है नेचुरल स्टोन का उसी की टाइल है, साथ में क्रीमा का इन्होंने क्रीमा नोवा का इन्होंने साथ में यहाँ पर बेस टाइल लिया है। सर इसकी भी वही प्राइस रेंज होगी? हाँ सर, सबका प्राइस रेंज सेम है, हाई ग्लॉस एंड ग्लॉस। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए इन्होंने वॉश बेसिन का काउंटर जो है वो टाइल से क्रिएट किया है। जनरली एक ये धारणा बनी हुई है कि जहाँ पर भी काउंटर टॉप बनाना होता है वहाँ पे नेचुरल स्टोन से ही बनता है, लेकिन अगर इस लेवल की वर्कमैनशिप हो आपके पास में कि इस इतने सीमलेस जॉइंट आपका अगर कारीगर बना सके तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। प्लस इसमें सर हम जो ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप है दिस इज़ टी प्रोफाइल, इसमें एक कॉर्नर प्रोफाइल भी आता है जो मैंने यहाँ निच में यूज़ कर रखा है। ये जो प्रोफाइल है इसको भी हम यहाँ काउंटर टॉप पे दे सकते हैं अगर आपके जो एजेस आपके नहीं दिखेंगे, फिनिश आ जाएगा। और दोस्तों मैं और आपको मॉकअप दिखाता हूँ, ये 2x1 का मॉकअप है, ये भी काफ़ी अच्छी टाइल इन्होंने यूज कर लिया है यहाँ पर। नीचे ऑफकोर्स जितने भी फ्लोर्स है वो दोस्तों सब मैट फिनिश के अंदर लिए गए हैं। और एक ये लास्ट मॉकअप है, ये सर 4x2 है जी सर, ये 4x2 है और इसमें मैंने ये कटिंग करके डिज़ाइन दिया हुआ है इसमें विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स। सर कोई कटिंग करा करके आपसे चाहेगा तो आप प्रोवाइड कराते? सर कटिंग आइडियली बहुत इजी टास्क है, जो उनके मेसन है वो खुद वहीं पे कर देंगे, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा मशीन की नीड है टाइल्स को कट करने के लिए। दोस्तों ये मॉकअप्स थे, अब मैं आपको कुछ एक्चुअल टाइल्स दिखाता हूँ। सर ये टाइल्स के अंदर रॉकर फिनिश है, इसके अंदर बेसिकली ग्लिटरिंग इफेक्ट है, ये मैट फिनिश प्रोडक्ट है और इसमें ये जो ग्लिटरिंग इफेक्ट आप देख रहे हैं इससे ये एक लाइट जब इस पर पड़ती है तो ये शाइन मारता है बेसिकली। दोस्तों आप देखिए जहाँ पर भी लाइट गिर रही है इस टाइम में वहाँ वहाँ पर एक डिफरेंट लॉस आ रहा है। सर ये क्या प्राइस रेंज की टाइल्स? सर ये 64 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट है। प्राइस रेंज वही है? वही है, अप्रोक्स वही है। ये भी मैट फिनिश है, मैट फिनिश में सतवारियो पैटर्न, ये हाइलाइटर रेंज हो गया, ये सर कैनवास पेंटिंग। बहुत ब्यूटीफुल टाइल्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्पेशली कैफेज वगैरह अगर आप बना रहे हैं, पोर्च एरिया बना रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। ये सर पार्किंग टाइल्स हैं जिसकी 12 mm थिकनेस है, 16x16 साइज़ है और ये जो कंपनी ने क्रिएट किया है ये बेसिकली ऐसा है कि हम लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, हम इट्सेल्फ सिंगल हाइलाइटर में भी जा सकते हैं या हम हाइलाइटर के साथ प्ले भी कर सकते हैं हमारे पार्किंग एरिया में। और सर ये क्या प्राइस रेंज की है? सर 48 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट है और इसमें हम गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिल सब हम इस पर ईजीली रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसमें।
अब ये जैसे शेड है सर, इसमें एक हाइलाइटर दिया है, इसके साथ में ये चार कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, तो वो हम चाहें तो इन कॉन्सेप्ट बेस टाइल्स को भी आपस में लगा सकते हैं या हम हाइलाइटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सर हनीकॉम्ब आ गया, इसे हेक्सागोनल डिज़ाइंस को हनीकॉम्ब कहते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है कि लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सिर्फ लाइट का फ्लोर कर सकते हैं या हाइलाइटर के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं। ये सर 8 इंचेस बाय 48 इंचेस के प्लैंक्स हैं, वुडन प्लैंक्स, एलिवेशन, ड्राइंग रूम, मास्टर बेडरूम, बालकनी, हम सब जगह इसको यूज़ करते हैं। और ये सर क्या प्राइस है? सर 65 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसमें सर जैसे ये वाला शेड है, दिस इज ट्रेवेंटिनो, आपने मोस्टली ओरिजिनल ट्रेवेंटिनो देखा होगा जो घरों में होटल्स में आपको बाहर एलिवेशन में लगा हुआ दिखेगा, दिस इज एग्जैक्टली द सेम। और इसमें एक अंड्यूलेशन वाली फिनिश भी दी है जिससे बिल्कुल नेचुरल फील है। बिल्कुल सर, टाइल्स में नेचुरल फील है इसका। ये सर यहाँ पे मैंने जैसे इन सबको स्टेप्स कट करके भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्टेप्स का फील आता है, या हम इसको पतंग चाल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने वहाँ यूज़ कर रखा है। कुछ और शेड्स भी देखते हैं। ये भी सर वुडन के कुछ और शेड्स हैं। इसके बाद सर इसमें 4x2 में वुडन टाइल है। ये बेसिकली दिस इज 4x2 साइज और वुडन 4x2 जो है वो बालकनी, मास्टर बेडरूम या काफ़ी चलता है। अब वॉशिंग एरिया अगर हमने कोई बनाया है, वॉशिंग एरिया में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये टाइल है सर, ये 4x2 का साइज़ है लेकिन इसमें प्लैंक्स का फील दे रखा है, लुक दे रखा है प्लैंक्स का, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत चलता भी है आइडली। इसके बाद सर सारा ये 4x2 में ग्लॉस का कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि हम बाथरूम एंड रूम फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं, सारे इटालियन के शेड सर। 4x2 जो है वो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका रेंज बढ़ गया, ये बाथरूम में भी लग रहा है और रूम की फ्लोरिंग में भी लग रहा है, तो सब जगह इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होने से, इनफैक्ट इन किचन में भी 4x2 लग रहा है क्योंकि 2 ही फिट का हमारे पास स्पेस होता है एंड ये हाइट इसकी 2 फिट ही है, तो इटालियन किचन सब बना रहे हैं उसमें यही टाइल्स यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में। सारे इटालियन के पैटर्न से ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेड्स। कॉम्बिनेशन वाली टाइल है दोस्तों, काफी अच्छी टाइल लग रही है, इसका एक पट्टा जुड़ता हुआ जा रहा है। सर ये बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ है मैंने। अच्छा, इसमें ये डार्क को मैंने टाइल के अंदर कट करके लगाया है, तो इस तरीके से भी हम टाइल्स में प्ले कर सकते हैं। अगेन डायना, अभी हमने 8160 में देखा था, ये 4x2 में है और इसकी प्राइस हो गई करीब 60 रुपीज़। जी 60 रुपीज़ एग्जैक्टली। तो सर ये जो प्राइसिंग है अभी पिछले 3-4 महीने के अंदर काफ़ी इंक्रीज करी है, तो पहले ये क्या प्राइस थी सर अभी? सर जो 4x2 था आज से 4 महीने पहले अप्रॉक्स 50 रुपीज़ 52 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट था, और पिछले 4 महीने से हर महीने 2-2.5 रुपये स्क्वायर फिट प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस जो है वो फॉरेन मार्केट में उसका प्राइस जैसे ही बढ़ता है या इंडियन मार्केट में टाइल्स का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, वो है, तो इसलिए अभी लेट्स सी कब तक ये प्राइस बढ़ रहा है। आज का जो करंट प्राइसिंग है वो 60 रुपीज़ है। हाँ, ओनेक्स डिज़ाइन।
जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा कलेक्शन है यहाँ पर, सारे शीट्स ऑब्वियसली दिखाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप कैटलॉग मान सकते हैं सर से, आप पिक्चर्स मान सकते हैं, काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी बिजनेस को लेकर के ईगर है, तो आप जिस भी तरह की हेल्प चाहते हैं करेंगे। नंबर स्क्रीन के ऊपर रेगुलरली फ्लैश कर रहे हैं, आप इनको कॉन्टेक्ट करके और जैसी डिटेल्स आप सर, ये 80x160 का कलेक्शन है जिसे हम 5x2 भी कहते हैं, और ये आइडियली फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आज के डेट में है, क्योंकि जितने टाइल के अंदर कम जॉइंट्स होंगे उतना वो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो फ्लोर के लिए बहुत अच्छा साइज है ये 80x160। कोई नेचुरल इटालियन भी अगर लगाता है तो वो यही साइज़ एग्जैक्टली यही साइज लगाता है सर। तो इसमें फील भी प्योर इटालियन का ही है, डिज़ाइंस भी वही हैं सारे। तो ये अच्छा साइज़ है, आप इटालियन नेचुरल भी अगर लेंगे तो मेजरली आप इसी साइज़ में काट कर पॉलिश करेंगे, आपको ये पॉलिश करी तरह टाइल्स मिल रही है। इसकी प्राइस भी जो है वो इटालियन के मुकाबले काफ़ी रीजनेबल है। सर ये क्या प्राइस रेंज है? सर इसके अंदर दो प्राइस कैटेगरी हैं, ग्लॉस एंड हाई ग्लॉस। ये 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट है, ये 95 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 90-95 रुपीज़ में आपको प्योर इटालियन रुका जाएगा। और तो मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको टाइल्स ही लगानी चाहिए, इटालियन मार्बल नहीं लगाना चाहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, पर इस प्राइस रेंज में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर इसमें इस साइज में कितने ऑप्शन होंगे जॉनसन में? सर जॉनसन के अंदर मोर देन 50-55 शेड्स होंगे मिनिमम इन ग्लॉस, एंड देन 20 शेड्स ऑड इन हाई ग्लॉस, और मैं यहाँ पे अप्रॉक्स 41 शेड्स मेंटेन कर रहा हूँ। आ गया सर ब्रेशिया, डायना सर, डायना इटालियन का मोस्ट रेनाउंड शेड है। ये सब वो 90-95 जी बिल्कुल सर, लाइट शेड 90, डार्क शेड 95। इसमें और भी काफ़ी शेड्स हैं जो आप इनसे कैटलॉग ले सकते हैं, या आप इनको फ़ोन करके पिक्चर्स आप मंगा सकते हैं, और अगर आप शोरूम विजिट करें तो बेस्ट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।